मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों वायरल हो रहे ऑडियो से सियासत गरमाई हुई है। अब सिवनी जिले के केवलारी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक राकेश पाल का कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि वो 7 करोड़ रुपए खर्च करके विधायक बने हैं। सुने क्या है पूरा ऑडियो। जैन होने के बावजूद जो है, इसके पहले जब लखनऊ जोन में रहा है और सिवनी थाने में भी रहा है, तो गौ कसी के केस में इन्वॉल्व रहा और मुस्लिम लोगों से उसके कॉन्टेक्ट ज़्यादा नहीं है। और गौ कसी, हाँ ये करता है, 700% करता है। इसकी धनौरा ससुराल है और इसकी ससुराल में प्रमुखता से दोनों सक्के की धंधा है इसकी ससुराल में। एक्चुअली ये अराजक आदमी है। हम आपसे पहले बोलने वाले थे कि साहब उसको मत करिए, लेकिन वो क्या हुआ कि वो हमारी बातचीत के पहले ही जो है वो आपने कर दिया वहाँ पर। तो जिनकी तरह वो अध्यक्ष जी, मैं साहब थोड़ा सा आपसे अनुरोध कर रहा था, अध्यक्ष जी अभी नए नए अध्यक्ष बने हैं, उनको समझ नहीं रहा है। वो मैंने उनको बिठाल के समझा भी दिया है कि हम घास छीलने के लिए जनप्रतिनिधि नहीं बने। हमने करोड़ों रुपए खर्च किए, 7 करोड़ रुपए खर्च किया हूँ, तब जो है मैंने कहा मैं केवलारी विधानसभा का विधायक बना हूँ। और तुम जो है मेरे छपारा के मामले में इंटरफेयर कर रहे हो। बोले नहीं भैया, मेरा ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। तो फिर मेरी मुनमुन से और दुबे से दोनों से बात हो गई। फिर वो दोनों नीतीश के बारे में सहमत हो गए कि नहीं भैया, जैसा आप चाहो वैसा होगा। नहीं, मैंने कहा मैं जो चाहूँगा मेरी विधानसभा में वही होगा, आपके कहने से कुछ नहीं होगा, ये दिमाग से आप निकाल दो। और आप यदि ज़्यादा इंटरफेयर करोगे तो मैं वीडी शर्मा को और संतन मंत्री को जो है तुम्हारी शिकायत कर दूँगा, ये मैंने बिठाल के उसको समझा। तो मेरा उसमें ये कहना था साहब कि नवीन को आपको हटाना चाहिए। न्यूज़ लाइव MP इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है।